हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में साइड में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो आगे भी देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन में बताना है कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, किस भारतीय महिला ने पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सानिया मिर्जा ने पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में भारत को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो दोस्तों, आपको बताना है जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा थी कौन सी मुद्रा थी। तो पर्ण मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्ण मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों, आपको बताना है ये जो कोणार्क मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है, इसका जो निर्माण है इसका निर्माण कब किया गया था, कब इस मंदिर को बनाया गया था। तो 1245 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1245 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया? आपको बताना है जो हमारे ईसा मसीह है उन्हें सूली पर कब चढ़ाया गया था। तो 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 33 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ? हुआ था। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है जो अहोम विद्रोह था यह किस राज्य में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहोम विद्रोह असम राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, अलब रूनी का मूल नाम क्या था? आपको बताना है ये जो अलब रूनी था इसका मूल नाम क्या था। तो इसका मूल नाम मैं आपको बता देता हूँ, अबू रेहान इसका मूल नाम था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबू रेहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका जो दिल्ली का प्राचीन नाम था योगिनीपुर, इसका प्राचीन नाम था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, योगिनीपुर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है जो दिल्ली सल्तनत थी उसका अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि अकबर ने दास प्रथा किस सन में समाप्त की थी। तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1562 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है ये जो इलायची पहाड़ी है यह कौन से राज्य में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल राज्य में इलायची पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? आपको बताना है कि कौन सी नदी ऐसी है जो सीधी बहती है। तो नर्मदा नदी ऐसी है जो सीधी बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो मुंबई है वर्तमान में इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, किसने इसका बम्बई को बसाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेराल्ड अंगियार ने बम्बई का संस्थापक था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? आपको बताना है कि अब्राहम लिंकन की हत्या यानी कि इन्हें किसने मारा था। तो जॉन विल्कीज बूथ ने इनकी हत्या की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन विल्कीज बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है जो विश्व में शरणार्थी दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है। तो 20 जून को ये दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आराम बाग किसने बनवाया था? आपको बताना है कि आराम बाग का निर्माण किसने कराया था, किसने इसे बनवाया था। तो बाबर ने आराम बाग बनवाया था, तो इसे याद रखना, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हमने बात की थी विश्व शरणार्थी दिवस की, और अब क्वेश्चन में पूछा है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 नवंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईसाई धर्म में उपदेश को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि ईसाई धर्म में कोई अगर उपदेश देता है, उपदेश को क्या कहा जाता है। तो शुभ समाचार उपदेश को ईसाई धर्म में कहा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुभ समाचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको सन बतानी है कि किस सन में रोलेट एक्ट लागू किया गया था। तो 8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हो गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 मार्च 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का क्या नाम था? आपको बताना है कि एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था थी, उसका क्या नाम था। तो गे स्टापो उसका संस्था का नाम था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गे स्टापो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शाहजहां का राजकवि कौन था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है जो मुगल बादशाह था शाहजहां, इसका राजकवि कौन था। तो पंडित जगन्नाथ इसका राजकवि हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सातवाहन काल की भाषा क्या थी? तो आपको बताना है जो काल था सातवाहन, इसकी भाषा क्या थी। तो प्राकृत इनकी इनकी भाषा थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को कब लागू किया गया था, किस सन में इसे लागू किया गया था। तो 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की गई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1835 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? आपको बताना है कि जब पहले मुंबई का नाम बम्बई था, और जब इसका नाम मुंबई रखा गया था, किस सन में इसका नाम मुंबई रखा गया था। तो 1995 ईस्वी में इसका नाम मुंबई रखा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ पर थी। तो माहेश्वर में इसकी राजधानी थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माहेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? आपको बताना है जो टीपू सुल्तान हुआ है, इसके पिता का क्या नाम था। तो इसके पिता का नाम हैदर अली था, आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदर अली, यानी कि हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रह्मा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि ब्रह्मा का मंदिर कौन से राज्य में है। तो राजस्थान में ब्रह्मा का मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों जितने भी विद्रोह हुए हैं मेन मेन, वे आप उन्हें सही से देख लीजिए कि एग्जाम में ये विद्रोह पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो ये केरल राज्य में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ किस सन में हुआ था। तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1666 ईस्वी। तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कानपुर। तो दोस्तों आज के लिए यही 30 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप भी आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, और हमें कमेंट में बताएं
आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।